हेलो माई डियर स्टूडेंट्स वेलकम बैक वेलकम टू माई चैनल आज की वीडियो में मैं आप सबके के कन्फ्यूजन दूर करने के लिए आई हूँ जिसमें हमें ये जानना है कि जो हमारा टेंथ का रिवाइज सिलेबस आया है एस एस टी शोशल साइंस उसमें कितना अब आएगा बिकॉज अकॉर्डिंग टू बोर्ड थर्टी परसेंट कोर्स हैज़ बिन रिड्यूस्ड तो इस बार तो बल्ले बल्ले हो गई मेरे सारे स्टूडेंट्स की मज़ा आ गया ना बहुत ज़्यादा कोर्स कम हो गया है आपको और स्पेशली हिस्ट्री जो सबको सबसे ज़्यादा टिपिकल लगती है और जल्दी से याद भी नहीं होती है उसमें तो बोर्ड ने आप सबकी लॉटरी लगा दी है तो क्यों ना हम डिस्कस कर लें कि क्या कम हुआ है पहले से कितना कम है पहले कितना आता था और अब कितना आएगा आपके इस सेशन में दिस एडवांटेज हैज़ बिन गिवन ओनली टू करेंट सेशन ये एडवांटेज आगे किसी सेशन के लिए नहीं मिलने वाला है तो जो इस साल बोर्ड देने वाले हैं उनके लिए मज़े आ गए क्योंकि काफ़ी हद तक आपके लिए एक बर्डन कम हो गया है फ्रॉम द पार्ट ऑफ एस तो वो चेंजेस क्या हैं क्या किया है बोर्ड ने दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस हेयर विल कम विद द फर्स्ट बुक ऑफ योर एस एस टी दैट इज हिस्ट्री यू ऑल नो वेरी वेल इन हिस्ट्री योर फर्स्ट यूनिट इज बिलोंगिंग टू इवेंट इन प्रोसेस जिसमें आपका द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप है चैप्टर तो वो चैप्टर एज इट इज बोर्ड ने इसमें रखा है जिससे आप समझ सकें कि नेशनलिज्म इन यूरोप किस तरह स्टार्ट हुआ क्या लीडरशिप रही वहां पे किन किन लोगों ने वहाँ काम किया सो दैट दे कैन हैव देयर ओन नेशनलिज्म राइट आफ्टरवर्ड वी हैव अनादर चैप्टर इन दिस हिस्ट्री सेगमेंट दैट इज नेशनलिज्म नेशनलिज्म इन इंडिया इन विच यू विल लर्न अबाउट वॉट आर दी वॉट आवर द प्रोसेस एंड वॉट वर दी मूवमेंट रन इन आर कंट्री टू हैव आर इंडिपेंडेंस तो वो सब आप चीजें सीखोगे किस तरह से हम लोगों ने कितनी स्ट्रगल करी एंड फाइनली वी गॉट आर इंडिपेंडेंस अब बात आती है नेक्स्ट सेगमेंट की सो बिफोर एट अगर मैं बात करूं पहले सिलेबस में सेक्शन टू में लाइवलीहुड इकोनॉमिक्स इकोनॉमीज एंड सोसाइटीज जो थीम थी उसमें दो थीम हुआ करती थी अ मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड एंड द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन जिसमें से बोर्ड किसी एक को देता था एज अ क्वेश्चन एज अ पार्ट ऑफ यूर हिस्ट्री इन द बोर्ड एग्जामिनेशन मीन्स हर स्कूल दोनों में से कोई एक चैप्टर पढ़ा देता था जिससे बोर्ड में क्वेश्चन आते थे बट इस साल लाइक यू ऑल कैन सी हेयर द टर्म इज रिटेन एनी वन ऑफ दीम ऑफ द फॉलोइंग द थीम सिलेक्टेड शुड बी असिस्ट इन पीरियोडिक टेस्ट ओनली नॉट टू बी इवेलुएटेड इन बोर्ड एग्जामिनेशन वापिस से देखो क्या कह रहे हैं यहाँ पर कि ये जो थीम है अब इन दोनों में से कोई भी एक थीम आपको स्कूल पढ़ाएगा ज़रूर बट वो बोर्ड में इवेलुएट नहीं होगी वो आपको स्कूल लेवल के पीरियडिक टेस्ट में ही देना होगा इसका मतलब क्या हो गया कि जो आपके फर्स्ट टू चैप्टर्स थे इफ वी टॉक अबाउट फर्स्ट टू चैप्टर्स वो तो बोर्ड में इवेलुएट होंगे बट दिस वन दिस चैप्टर विल नॉट बी इवेलुएटेड इन बोर्ड राइट right? तो आपका जो थर्ड चैप्टर कंटिन्यूशन में होगा स्कूल में वो आपका सिर्फ पीरियडिक टेस्ट में ही असिस्ट होगा इन दोनों में से कोई एक अब बात करें तो देखो हिस्ट्रीयां खत्म हो गई इसका मतलब समझ में आ रहा है पहले जब हिस्ट्री का सिलेबस होता था आप प्रीवियस ईयर का सिलेबस देखोगे तो उसमें आपको पता चलेगा एक और सेक्शन हुआ करता था सेक्शन थ्री एवरीडे लाइफ कल्चर एंड पॉलिटिक्स सेक्शन थ्री होता था एवरीडे लाइफ कल्चर एंड पॉलिटिक्स जिसमें आपको प्रिंट कल्चर एंड मॉडर्न वर्ल्ड एक चैप्टर पढ़ना पड़ता था तो इन टोटल हिस्ट्री से चार चैप्टर हुआ करते थे फोर चैप्टर्स विच आर सपोज टू कम इन बोर्ड एग्जामिनेशन बट दिस ईयर ड्यू टू दिस पेंडेमिक इशू एंड ड्यू टू दी आर ऑनलाइन क्लासेज एंड वॉट वी कैन से द नो ऑफलाइन क्लासेज विच आर एक्चुअली सक्सेसफुल इन टर्म्स ऑफ टीचिंग इज नॉट रनिंग फॉर दिस रीजन ओनली टू चैप्टर्स तो कौन कौन से दो चैप्टर्स आपको मिल रहे हैं ओनली टू चैप्टर्स यू आर गोइंग टू हैव फॉर यू एंड दीज चैप्टर्स आर फर्स्ट इन यूरोप एंड नेशनलिज्म इन इंडिया यानी सिर्फ ये दो चैप्टर बोर्ड में आएंगे इस साल फॉर टू थाउजेंड ट्वेंटी ट्वेंटी वन सो यू हैव ओनली टू चैप्टर्स नाउ फ्रॉम हिस्ट्री नाउ गोइंग टू ज्योग्राफी कंटेम्प्ररी इंडिया दिस इज अ ज्योग्राफिकल पार्ट जोग्राफी में पहले क्या फाइव चैप्टर्स आते थे बोर्ड ने जो ऑलरेडी एन में आपके जितने चैप्टर्स हैं उसमें से आपके दो चैप्टर एज अ पीरियोडिक असेसमेंट के बेसिस पे छोड़े थे बाकी फाइव चैप्टर्स दे वर आस्किंग फॉर बोर्ड इवेलुएशन राइट तो बोर्ड में चेकिंग के लिए ये क्वेश्चंस होते थे ये चैप्टर्स होते थे तो इसमें से जो आपकी फर्स्ट यूनिट है फर्स्ट थीम है रिसोर्स एंड डेवलपमेंट ये एज इट इज बोर्ड ने रखी है यानी कि ये चैप्टर तो आपका आपके नेक्स्ट कमिंग बोर्ड में आएगा ही आएगा मीन्स टू के बोर्ड में ये आएगा ही आएगा इसके बाद वाला जो चैप्टर था दैट वॉज फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ तो फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ जो चैप्टर था वो पीरियोडिक असेसमेंट में ही इवेलुएट होता था पहले बोर्ड से यानी उससे कोई भी क्वेश्चन बोर्ड में नहीं आते थे बट पीरियोडिक बेसिस पे लिए जाते थे आई होप कई स्कूलों ने पढ़ाया भी होगा क्योंकि जरूरत थी इसको पीरियोडिक टेस्ट में लेने की राइट right? इसके बाद बात करें तो इस साल बोर्ड ने इसको हटा दिया यानी आपका फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ चैप्टर जो है ना तो पीरियडिक में असेस होगा ना ही बोर्ड में फाइनली उसको पूरा ही हटा दिया फिर जो वाटर रिसोर्स चैप्टर था कंटिन्यूशन में थर्ड जोग्राफी से उसमें भी बोर्ड ने ये कहा था कि इस चैप्टर से कुछ पार्ट आपको पीरियोडिक में पूछने ही हैं सो दैट स्टूडेंट्स विल लर्न लेकिन इस साल बोर्ड ने इसको भी हटा दिया मीन्स अब देखो यहां पे एक चीज जो हमें बहुत अच्छे से समझनी है कि जो वाटर रिसोर्स चैप्टर है उसका थियोरिटिकल आस्पेक्ट हटा दिया है विल नॉट बी इन में वो नहीं आएगा ओनली मैप आइटम एज गिवन इन द मैप लिस्ट फ्रॉम दिस विल बी इवेल्युएटेड इन बोर्ड एग्जामिनेशन तो यानी कि आपका थ्योरी तो नहीं आएगा इस चैप्टर से वाटर एंड सिर्फ मैप वर्क जो होगा वो आपका बोर्ड में आएगा यानी वाटर रिसोर्स पहला चैप्टर हो गया रिसोर्स एंड डेवलपमेंट मैप भी होगा थ्योरी भी होगी बोर्ड में दूसरा चैप्टर आपके लिए ज्योग्राफी से हो गया वाटर रिसोर्स जिसमें से सिर्फ मैप होगा थ्योरी नहीं होगी ऑल राइट मूविंग टू दी फोर्थ चैप्टर अब मैं फोर्थ चैप्टर की बात करूं तो दिस इज एग्रीकल्चर इट इज एज इट इज इसमें कोई चेंज नहीं है बोर्ड के लिए इसमें थ्योरी भी आएगी और मैप वर्क भी आएगा इन दी बोर्ड इन दू थाउजेंड ट्वेंटी वन बोर्ड एग्जामिनेशन फॉर टेंथ क्लास मूविंग टू दी नेक्स्ट सेगमेंट मिनरल्स द फिफ्थ चैप्टर फिफ्थ चैप्टर की अगर हम बात करें मिनरल्स एंड एनर्जी तो ये चैप्टर भी बोर्ड ने इसको थोड़ा सा चेंज कर दिया अब क्या कर दिया वापस से देखें हमको हमें यानी कि ये चैप्टर भी पूरा होने वाला है कमिंग बोर्ड एग्जामिनेशन में यानी नेक्स्ट ईयर के बोर्ड एग्जामिनेशन में क्या होगा थ्योरिटिकल एस्पेक्ट ऑफ दिस चैप्टर विल नॉट बी असिस्ट इन पीरियोडिक टेस्ट एंड इन बोर्ड एग्जामिनेशन यानी कि इससे भी ना तो पीरियोडिक टेस्ट में होगा ना ही बोर्ड एग्जामिनेशन में कोई भी टेस्ट होगा यानी थ्योरी पार्ट इस पर्टिकुलर इस चैप्टर का आपके बोर्ड में भी नहीं आने वाला ना आपका स्कूल आपके स्कूल लेवल पर ले सकता है क्या आएगा सिर्फ मैप क्या आएगा ओनली मैप आइटम आर इवेल्युएटेड इन बोर्ड एग्जामिनेशन तो क्या समझ में आ रहा है वापिस देख लो रिसोर्स एंड डेवलपमेंट से पूरा चैप्टर थ्योरी

ंग टू मैन्यूफैक्चरिंग इंडस्ट्री द होल चैप्टर अलॉन्ग विथ थ्योरी एंड मैप एंड सेम फॉर लाइफ लाइन्स तो अब अगर हम बात करें लास्ट ईयर सेवन चैप्टर्स में से सिर्फ फाइव चैप्टर्स बोर्ड में आ रहे थे राइट टू इवेल थ्योरी एज वेल एज मैप बट दिस ईयर सेवन में से ओनली कितने चैप्टर्स आ रहे हैं आप ओनली फोर चैप्टर्स तो फोर कौन कौन से चैप्टर्स हो गए थ्योरी विथ मैप तो कौन कौन से हो गए लाइफ लाइन्स एंड नेशनल इनकम नेशनल इकोनॉमी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर एग्रीकल्चर रिसोर्स एंड डेवलपमेंट और मैप वर्क में सिर्फ वाटर रिसोर्स लिया जाएगा ऑल राइट सो दिस इज ऑल अबाउट सिविक्स की अगर हम बात करें तो सिविक्स में भी कई चैप्टर्स पिछली साल ही बोर्ड ने नॉट टू इवेलुएट इन बोर्ड एग्जामिनेशन कंसिडर कर दिए थे मीन्स वो बोर्ड में नहीं आने थे बट स्कूल लेवल पर उनसे क्वेश्चन आने थे यानी पीरियॉडिक टेस्ट में उनको लेना था बट इस साल बोर्ड ने उसमें भी रिलैक्सेशन कर दिया ओके okay, तो पिछली साल बोर्ड में जो आपके आठ चैप्टर दिए हुए एट चैप्टर इन योर सिविक्स बुक उसमें से केवल फाइव ही चैप्टर्स बोर्ड में इवेलुएट होते थे बाकी के तीन चैप्टर आपके पीरियोडिक टेस्ट में ही असिस्ट होते थे यानी उनमें से कोई भी सेगमेंट बोर्ड में नहीं आता था तो अब इस साल क्या चेंज है पहले भी आप फाइव चैप्टर्स तो दे ही रहे थे ना बोर्ड में तो बोर्ड ने कितना चेंज किया लेट सी हेयर हेयर यू कैन सी द फर्स्ट चैप्टर विल रिमेन सेम पावर शेयरिंग एज इट इज आएगा फेडरलिज्म एज इट इज आएगा फिर बीच में से तीन कितने चैप्टर हट गए आपके थ्री फोर फाइव तीन चैप्टर पूरे पूरे बोर्ड ने बीच में से हटा दिए अब वो तीनों चैप्टर कौन कौन से थे दैट वॉज डेमोक्रेसी एंड डाइवर्सिटी जेंडर रिलीजन एंड कास्ट एंड देन पॉपुलर स्ट्रगल एंड मूवमेंट तो ये तीन चैप्टर पूरे पूरे बोर्ड ने हटा दिए आपके लिए अब आपके लिए फर्स्ट टू चैप्टर हो गया पावर शेयरिंग एंड फेडरलिज्म एंड द नेक्स्ट सिक्स चैप्टर पॉलिटिकल पार्टी एंड आउटकम ऑफ डेमोक्रेसी तो ये दो चैप्टर और इसमें एड ऑन हुए बस इसका मतलब पहले पिछली साल पांच चैप्टर आए थे बोर्ड में इस साल चार आ रहे हैं और जो इंटरनल असमेंट के बेसिस के लिए दिए गए थे बोर्ड की तरफ से सजेस्टेड तीन चैप्टर वो भी बोर्ड ने पूरे पूरे हटा दिए सो इन ऑल शॉर्ट वी कैन सी कि फोर्थ चैप्टर कम्प्लीटली विल कम इन बोर्ड एग्जामिनेशन एंड दे विल नॉट बी अदर चैप्टर विच विल बी टॉट इन योर स्कूल लेवल एज वेल यानी पीरियडिक के हिसाब से भी कोई टेस्ट कोई भी चैप्टर बोर्ड ने सजेस्ट नहीं किए हैं मूविंग टू द नेक्स्ट वन द लास्ट सेगमेंट दैट इज इकोनॉमिक डेवलपमेंट बुक की बात करें कॉमिक बुक में कोई चेंज नहीं है आपके फाइव चैप्टर्स थे यू ऑल नो वेरी वेल

मीन्स ओनली फोर चैप्टर यू हैव कम्प्लीटली विच विल कम इन बोर्ड एग्जामिनेशन तो यहाँ तक पूरी बात समझ में आई कंसेप्ट अब इस ऑल टूगेदर अगर हम बात करें तो हिस्ट्री में पहले आते थे चार चैप्टर बोर्ड में अब आएंगे सिर्फ दो जोग्राफी में पहले आते थे पाँच चैप्टर बोर्ड में अब आएंगे चार सिविक्स में आते थे पाँच चैप्टर बोर्ड में अब आएंगे चार और इकोनॉमिक्स में चार ही आते थे और अभी भी चार आएंगे फिफ्थ चैप्टर एज अ प्रोजेक्ट होता था उससे रिलेटेड जो भी प्रोजेक्ट होगा विल गिव यू द अपडेट्स ऑन द बेसिस ऑफ दैट सो दिस इज ऑल अबाउट योर एस एस टी आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड अब कोई किसी को किसी भी तरह का डाउट नहीं होगा कि हिस्ट्री जोग्राफी सिविक्स और इकोनॉमिक्स से, से क्या क्या आने वाला है और आपका सिलेबस रियली में थर्टी परसेंट कम हुआ है तो दिस इज अग एडवाटेज स्पेशली फॉर हिस्ट्री जिसमें आप दो ही चैप्टर बोर्ड में आने वाले हैं बाकी तो आएगा नहीं एक भी तो आपके लिए एडवांटेज है जोग्राफी से भी जो आपका मिनरल रिसोर्स वाला चैप्टर था वो काफ़ी टिपिकल था समझने के लिए काफ़ी वेराइटी थी वो चैप्टर भी हट गया वो चैप्टर लेंदी भी था आपका और उसमें काफ़ी कुछ था समझने के लिए तो बोर्ड ने वो भी हटा दिया तो दैट इज अनदर एडवांटेज टू यू लेकिन मैप आपको जरूर करने हैं मिनरल से और वाटर रिसोर्स से तो ये दो चीज़ों का आपको मिनरल्स एंड वॉटर रिसोर्सेस बाकी सारे आपके फोर्थ चैप्टर यहां हो गए तो हम एक फिर से वापिस से एक शॉर्ट उसका ये ले, ले लेते हैं रिव्यू जिससे आप इको वी हैव ओनली फोर चैप्टर्स राइट फ्रॉम सेविक्स वी हैव ओनली फोर चैप्टर्स नो अदर चैप्टर्स फॉर इंटरनल असेसमेंट एज वेल and from uh, geography chapters and the map work belong to other two chapters and for history only two chapters and the third chapter for periodic right so sirf itna karna i hope you all have understood about your syllabus and what will come in your 2020 21 board examination so that's all for today thank you and bye bye